वेलकम फ्रेंड्स, हमारे YouTube चैनल नर्सिंग अपडेट बाय CHO पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन लेकर आए हैं एक और धमाकेदार सेशन। सुबह का सेशन सक्सेसफुल रहा और अब लेकर आए हैं हम इम्पोर्टेंट OBG थ्योरी क्लास। अगर दोस्तों आपने ये पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। स्मार्ट स्टडी के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नॉन स्ट्रेस टेस्ट और LS रेशियो। LS रेशियो क्या होता है? लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन का रेशियो होता है जो लंग्स सर्फेक्टेंट में होता है। तो अब देखते हैं, अपन आज की क्लास अपनी है 15 नंबर। इससे पहले दोस्तों 14 क्लास अपलोड की जा चुकी है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो ये जो 14 क्लास है आप ज़रूर देखें, अगर आपको राजस्थान CHO भर्ती में सिलेक्शन चाहिए। तो सारी क्लासों में स्मार्ट स्टडी के साथ बहुत ही बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज अपना सुबह जो सेशन हुआ था 100+ मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ सुपर सेशन था दोस्तों, सुपर सेशन था, जो 2 घंटे का सेशन था। अगर किसी ने नहीं लिया हो तो ज़रूर लें, क्योंकि यहां से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं। इनसे बाहर आपके कुछ नहीं आएगा दोस्तों। तो ये क्लास अगर आपने नहीं अटेंड करी है तो ज़रूर अटेंड कर लें। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ, मेरा अनुरोध है आप सभी से कि वीडियो देखने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अपना जो लाइक का जो टारगेट है वो रहेगा, आज अपना जो लाइक का जो टारगेट है वो कितना रहेगा, वो रहेगा दोस्तों 70+ लाइक का टारगेट है। और कमेंट आप सबको ज़रूर करना है और शेयर सभी को कर दो, सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है आप उन अपने दोस्तों को ज़रूर भेजें, उनका भी भला होगा, भगवान आपका भला ज़रूर करेगा। सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर पास में आ रहे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले दोस्तों। चलो दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों, थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज का जो अपना टॉपिक है वो है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, NST जिसे बोलते हैं। NST की फुल फॉर्म क्या होती है? NST की फुल फॉर्म क्या होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताएं कि NST की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है नॉन स्ट्रेस टेस्ट। क्या होता है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, क्यों करते हैं? नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है, किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। नॉन स्ट्रेस टेस्ट क्या होता है? एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग होती है जो फिटल हार्ट रेट को मॉनिटर करता है। कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर क्या होता है कि एक नॉन स्ट्रेस टेस्ट के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग ऑफ फीटल हार्ट रेट along with recording of fetal moments। तो ये होता है दोस्तों, क्या ये क्या करता है, फिटल मोमेंट्स रिकॉर्ड क्या करता है कि फिटल हार्ट रेट और फिटल मोमेंट को ये रिकॉर्ड करता है। ये एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटर होता है ये फिटल हार्ट रेट को और फिटल मोमेंट को रिकॉर्ड करता है और असेस करता है, असेस करता है फिटल वेलबींग की, जो फिटस है वो सही है, सुरक्षित है कि नहीं है, फिटल वेलबींग। तो ये है नॉन स्ट्रेस टेस्ट, इसलिए नॉन स्ट्रेस टेस्ट किया जाता है। अब अपन देखते हैं
एक और इम्पोर्टेंट चीज़ कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है, नॉन स्ट्रेस जो टेस्ट है, अब आगे से मैं इसको NST ही लिखूँगा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट जो है वो क्या असेस करता है, क्या असेस करता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। MPCHO में पूछा गया क्वेश्चन कि NST जो है वो क्या असेस करता है, तो NSC फिटल मोमेंट, फिटल मूवमेंट और फिटल हार्ट रेट, फिटल हार्ट रेट असेस करता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब अपन देखते हैं दोस्तों, अब अपन देखते हैं कि कब करते हैं नॉन स्ट्रेस टेस्ट। ये जो टेस्ट है NST, ये कब करते हैं? आज सुबह के सेशन में मैंने आपको ये पढ़ाया था कि ये NST कब करते हैं, तो NST करते हैं थर्ड ट्राइमेस्टर में भी कितने वीक पर करते हैं दोस्तों, जल्दी से इसका राइट आंसर दें कि कितने वीक पर करते हैं। तो ये करते हैं अपन 30 वीक पे करते हैं। एक चीज़ और याद आई है दोस्तों, सुबह के सेशन में एक चीज़ गलत बताई गई है, वो है ICDS जो है वो कब लॉन्च हुआ, ICDS कब लॉन्च हुआ। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूँ, गलती से मैंने उसमें 1970 बता दिया था, लेकिन ये हुआ था 1975 में। आप उसको करेक्ट ज़रूर कर लेना, तो थर्ड ट्राइमेस्टर में 30 वीक पर क्या करते हैं, नॉन स्ट्रेस टेस्ट करते हैं। अब देखते हैं दोस्तों अपन कि जो फीटल मोमेंट और जो फीटल हार्ट रेट असेस करते हैं वो कौन सी डिवाइस होती है, उस डिवाइस का नाम क्या होता है, तो उसे कहते हैं कार्डियक टोकोमीटर होती है, वो डिवाइस का नाम है कार्डियक टोकोमीटर। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन कि हेल्थी फिटनेस को इंडिकेट कौन करेगा, कि ये स्ट्रेस टेस्ट कर नॉन NST टेस्ट करते हैं तो फिटनेस अगर हेल्थी है तो अपने को क्या देखने को मिलेगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हेल्थी फिटनेस की क्या होगी, कि एसिलरेशन इन फिटल हार्ट रेट in response to fetal heart rate, in response to fetal moment, इंडिकेट हेल्थी फिटस, ये इंडिकेट करता है हेल्थी फिटस को। अगर एसिलरेशन जो है वो फिटल हार्ट रेट और रेस्पॉन्स टू फिटल मोमेंट को रेस्पॉन्स कर रहा है तो वो फिटस क्या है, हेल्थी है, उसे कहते हैं, इसे रिएक्टिव टेस्ट भी कहते हैं। अगर जो फिटल है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो रिएक्टिव टेस्ट है, रिएक्टिव टेस्ट कब कहेंगे, कि टू एसिलरेशन ऑफ
मोर देन 15 बीट्स पर मिनट अबो द बेसलाइन फॉर मोर देन 15 सेकेंड प्रजेंट इंटू 20 मिनट ऑब्जर्वेशन उसे कहेंगे रिएक्टिव टेस्ट। थोड़ा सा मैं इसको इजी करके बता देता हूँ कि कार्डियक टोकोमीटर अटैच करते हैं फीमेल के एब्डोमेन पे, कार्डियक टोकोमीटर जो क्या करेगा, टोकोमीटर क्या करेगा, ये फीटल मोमेंट और फीटल हार्ट रेट को असेस करेगा। ये अटैच करेंगे फीमेल के एब्डोमेन पे, फीमेल के एब्डोमेन पे अटैच करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इट टेक लास्ट अप टू 20 मिनट, और इसको अपन लास्ट 20 मिनट तक रखेंगे। और अगर 20 मिनट लास्ट 20 मिनट में अगर जो कॉन्ट्रैक्शन है या फीटल मोमेंट है वो मोर देन 2 टाइम इंक्रीज मोर देन टू टाइम अप टू या फिर मोर देन अप टू 15 बीट्स पर मिनट फॉर 15 सेकेंड अगर फीटल मोमेंट अपने को मिलता है तो उसे कहेंगे रिएक्टिव फीटस, रिएक्टिव फीटस कहेंगे इसे। रिएक्टिव फीटस को अपन और क्या कहते हैं कि अगर फीटस रिएक्टिव है, रिएक्टिव फीटस को अपन नॉर्मल फीटस कहते हैं। रिएक्टिव फीटस नॉर्मल होता है और स्ट्रेस को क्या कहते हैं, नेगेटिव एनएसटी कहलाता है, नेगेटिव एनएसटी या फिर नॉर्मल एनएसटी या फिर नेगेटिव एनएसटी कहलाता है। अब देखते हैं एनएसटी का पर्पज क्या है, एनएसटी करने का, तो टू चेक फीटल स्ट्रेस फीटल स्ट्रेस को चेक करने के लिए फीटस नॉन रिएक्टिव, पहले से स्ट्रेस प्रेजेंट हो तो अगर फीटस के अंदर पहले से स्ट्रेस प्रेजेंट है तो ये नॉन रिएक्टिव होगा, फीटस नॉन रिएक्टिव होगा फीटस। अगर पॉजिटिव नॉन स्ट्रेस आता है, नॉन स्ट्रेस कैसा आए, पॉजिटिव एनएसटी हो तो उसमें क्या होगा, फीटस इज नॉट वेल इनसाइड यूट्रस, फीटस जो है वो यूट्रस के अंदर सही नहीं है, वेल नहीं है, फीटस नॉट वेल इनसाइड यूट्रस। अब इसको समझने के लिए अपन एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन अपना है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट इज सेड टू बी नॉर्मल, कि नॉर्मल किसे कहेंगे नॉन स्ट्रेस टेस्ट, ये अपना क्वेश्चन है, ये अपना क्या है, क्वेश्चन है।
तो नॉर्मल किसे कहेंगे, इसका राइट आंसर अगर आपको समझ में आया हो तो जल्दी से इसका राइट आंसर दें कि नॉन स्टेज टेस्ट नॉर्मल किसे कहेंगे। तो नॉन स्टेज टेस्ट नॉर्मल कहेंगे टू और मोर, टू और मोर फिटल हार्ट रेट एक्सीलरेशन ड्यूरिंग 20 मिनट्स पीरियड, 20 मिनट के पीरियड्स में दो और दो से ज़्यादा फीटल हार्ट रेट, दो या दो से ज़्यादा बार फीटल हार्ट रेट क्या है एसिलरेट हो रही है 20 मिनट के पीरियड्स में, तो उसे नॉन स्ट्रेस टेस्ट नॉर्मल कहेंगे ड्यूरिंग पीरियड। कि दोस्तों नॉन स्ट्रेस टेस्ट किसे कहेंगे कि फीटल हार्ट रेट दो और दो से ज़्यादा बार एसिलरेस हो रही है, फिटल हार्ट रेट दो या दो से ज़्यादा बार बढ़ रही है, एसिलरेस हो रही है तो ड्यूरिंग 20 मिनट के पीरियड्स में, तो 20 मिनट के 20 मिनट के पीरियड में अगर दो या दो से अधिक बार एसिलरेट हो रही है फिटल हार्ट रेट तो उसे नॉर्मल कहते हैं, उसे नॉर्मल कहते हैं। तो ये हो गया अपना नॉन स्ट्रेस टेस्ट, छोटा सा था, यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे नॉन स्ट्रेस टेस्ट एक क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रिएक्टिव जो होता है रिएक्टिव फिटस, उसे रिएक्टिव फिटस कब कहेंगे कि टू दो या दो से अधिक बार फिटल हार्ट रेट एसिलरेट हो रही है, एसिलरेशन आ रहा है, दो या दो से अधिक बार फिटल हार्ट रेट का एसिलरेशन आ रहा है विद इन 20 मिनट, 20 मिनट में, 20 मिनट में अगर ऐसा कुछ दो या दो से अधिक बार फिटल हार्ट रेट एसिलरेट हो रही है तो उसे रिएक्टिव कहेंगे, और रिएक्टिव को ही क्या कहते हैं नेगेटिव कहते हैं, रिएक्टिव को नेगेटिव कहते हैं, नेगेटिव नॉन स्टेज टेस्ट, और इसे ही नॉर्मल कहते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन आपसे यहाँ से क्या पूछा जा सकता है कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट के लिए एनएसटी के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दें, अभी आपको मैंने बताया है तो उसका है कौन सा, कार्डियक टोकोमीटर। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। 20% बच्चे जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो देखते हैं उनसे मेरा निवेदन है कि दोस्तों बहुत अच्छा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, आप ही का इसी में फ़ायदा है। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट हर वो चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ जो एक भर्ती को कंप्लीट पूरा कर सकती है। अगर ऐसा कोई कोचिंग वाला फ्री में करवा रहा हो तो मुझे बताएं, कोई नहीं करवाता। कोई एमसीक्यू सेशन करवा रहा होगा तो कोई कोई एमसीक्यू सेशन करवा रहा है तो कोई कभी कभी हफ्ते में एक पेपर दे देता है फ्री में, उससे कुछ नहीं होने वाला दोस्तों। मैं आपको कंटिन्यू एमसीक्यू सेशन भी करवा रहा हूँ, कंटिन्यू आपको थ्योरी भी करवा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़ा रहा, वही चीज़ जो CHO में पूछेगा वही पढ़ा रहा हूँ। तो भाइयों और मेरी बहनों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जितने भी अपने दोस्त हैं अगर आप उनका भला चाहते हो तो उनको भी बताओ कि नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट स्टडी के साथ CHO की तैयारी करवाई जा रही है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में विद टेस्ट सीरीज, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आप लाइक जरूर करा करें, वीडियो को आप लाइक जरूर करा करें। तो दोस्तों एक भाई ने मुझसे बोला कमेंट में कि
सर आप तो लाइक के लिए यहाँ आते हो, पढ़ाने के लिए नहीं आते। तो मैं उसे कहना चाहूँगा कि दोस्त एक बार आप नर्सिंग अपडेट बाय CHO यूट्यूब चैनल पर जाकर देखें कि वहाँ पर मैं पढ़ाई करवा रहा हूँ या फिर बस लाइक के लिए आया हूँ। एक बार आप विजिट ज़रूर करें, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि सर ने कितना अच्छा कंटेंट हमारे लिए डिलीवर किया है। आपको सब कुछ वहाँ पता चल जाएगा। लाइक के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ कि आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी तो पता चले ना कि मैं जिसको पढ़ा रहा हूँ उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। तो उनको कैसे पता चलेगा कि अच्छा लग रहा है? या तो वो वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा, या फिर वो लाइक करेंगे तब पता लगेगा। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करने का मतलब आप प्रेजेंट हो, आपने क्लास ले ली है, पता तो चले कि कितने बच्चे हैं जो ईमानदारी से क्लास लेते हैं, क्योंकि जो लाइक करेंगे वो ईमानदारी से क्लास ले रहे हैं। तो दोस्तों मेरी मेहनत का वो फल है, वो तो मैं आपसे बोलूँगा, उसमें आपके कोई पैसे तो लग नहीं रहे कि हाँ सर मैं लाइक करूँगा मेरे पैसे लग गए, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। मैं उस भाई को कहना चाहूँगा कि दोस्त मैं लाइक के लिए यहाँ नहीं आया, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उन बच्चों के लिए यहाँ आया हूँ जो पढ़कर सिलेक्शन लेना चाहते हैं ईमानदारी से। मैं उनके साथ हूँ जो ईमानदारी से यहाँ पर पढ़ेंगे और सिलेक्शन लेंगे, मैं उनके साथ हूँ। कुछ बच्चे हैं जिनको कहने की ज़रूरत नहीं है कि लाइव आओ, ऑटोमेटिक वो लाइव आ जाते हैं। तो वो जो बच्चे हैं वो बिल्कुल एक्टिव है, और कुछ बच्चे लाइव नहीं आ पाते घरग्रस्थी के कारण या फिर किसी और रीज़न के कारण, तो वो बच्चे भी काबिल है सिलेक्शन होने के। तो चलो दोस्तों अपन भटक गए लेक्चर से, अपन वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। वो भाई ने कमेंट किया तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं सब बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ, हर एक चीज़ प्रोवाइड करवा रहा हूँ, GK MCQ सेशन थ्योरी, उसके अलावा टेस्ट सीरीज भी दे रहा हूँ, फिर भी मुझे बोलते हैं कि सर आप पढ़ाने के लिए थोड़ी आते हो, लाइक करवाने के लिए आते हो। तो मुझे अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने आपसे शेयर कर दिया। मैं उस भाई का नाम नहीं बताऊँगा। चलो दोस्तों अब देखते हैं अपना अगला टॉपिक। ये था नॉन स्टेज टेस्ट, इससे ये एक क्वेश्चन जिससे पूछे जाएंगे। इसके अलावा नॉन स्टेज टेस्ट में एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि ये क्यों किया जाता है। तो ये फिटल मोमेंट एंड फिटल हार्ट रेट को असेस करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या, एल एस रेशियो क्या होता है, एल एस रेशियो क्यों करते हैं? तो इसका एल एस का मतलब है लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो। एल का मतलब लेसिथिन, एस का मतलब स्फिंगोमाइलिन। ये क्या होते हैं दोनों, कोई मुझे बताएगा कमेंट में ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों सर्फेक्टेंट होते हैं, लंग्स सर्फेक्टेंट। ये दोनों क्या होते हैं? लंग सर्फेक्टेंट होते हैं दोनों के दोनों, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इनसे क्या LS रेशियो से क्या असेस करते हैं अपन, क्या चीज़ असेस करते हैं LS रेशियो से? तो LS रेशियो से अपन लंग्स, फिटल लंग की मैच्योरिटी असेस करते हैं, लंग्स मैच्योर हुए कि नहीं हुए, वो फिटल लंग्स के वो अपन एसेस करते हैं LS रेशियो से, स्फिंगोमाइलिन रेशियो से। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो स्फिंगोमाइलिन और लेसिथिन है दोनों के दोनों क्या करेंगे, सरफेस टेंशन को कम कर देंगे और सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे। ये सरफेस टेंशन को कम करते हैं और सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं, सरफेस का जो एरिया है उसे ये बढ़ा देते हैं। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट इसी में ही कि लंग्स प्रोड्यूस सर्फेक्टेंट कब प्रोड्यूस करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लंग्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं, कब करते हैं, कितने वीक पे करते हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट 24 वीक
24 वीक पर लंग्स जो है वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं। और ये कितने टाइप का होता है? ये होता है दो टाइप का, टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड होता है। टाइप फर्स्ट कौन सा होता है? वो होता है, क्या काम आता है? गैसियस एक्सचेंज के काम आता है जो टाइप फर्स्ट होता है। और टाइप सेकंड जो सर्फेक्टेंट है वो आता है, वो सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने का काम करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं सर्फेक्टेंट किस चीज़ से प्रिवेंट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि प्रिवेंट एटलेक्टेसिस। बिल्कुल दोस्तों, जो सर्फेक्टेंट जो है वो किससे प्रिवेंट करते हैं? सर्फेक्टेंट प्रिवेंट करते हैं किससे? एटलेक्टेसिस क्या होता है कि ये प्रिवेंट करते हैं कोलैप्स ऑफ लंग्स। लंग्स को कोलैप्स होने से क्या करते हैं सर्फेक्टेंट? वो प्रिवेंट करते हैं लंग्स एल्वियोलाई का कोलैप्स होने पर, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अब अपन देखते हैं कि सर्फेक्टेंट किससे प्रिवेंट करता है। वो करता है कोलैप्स ऑफ लंग्स एल्वियोलाई, लंग्स की एल्वियोलाई को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है, जिसे एटलेक्टेसिस कहते हैं। अब देखते हैं कि एलएस रेशियो कितने वीक पर कितना होता है देख लेते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है कि 28 वीक पर जो एलएस रेशियो होता है वो कितना होता है? 1:1 होता है। और एट 34 वीक पर जो एलएस रेशियो होता है वो कितना होता है? 2:1 होता है। तो अगर एक बात बता दूँ मैं आपको, 34 वीक पर जो रेशियो है दो अनुपात एक रेशियो है, इसका मतलब लंग्स फुली मैच्योर हो गए हैं। लंग्स फुली मैच्योर हो गए हैं। अब देखते हैं अपन एक और इम्पोर्टेंट चीज़ का, फिटल लंग इमैच्योर कब पता चलेगा? बिफोर 34 वीक। बिल्कुल दोस्तों, बिफोर 34 वीक जो लंग्स होते हैं, फिटल जो लंग्स है वो क्या होते हैं? इमैच्योर होते हैं। फिटल लंग्स जो है वो क्या होते हैं? इमैच्योर होते हैं। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना कि 34 वीक पर फिटल लंग्स क्या हो जाते हैं? फुली मैच्योर हो जाते हैं। उससे पहले जो फिटल लंग्स है वो इमैच्योर रहते हैं। और 28 वीक पर जो इसका एलएस रेशियो है वो 1:1 होता है। 34 वीक पर 2:1 होता है। अब देख लेते हैं कि फिटल लंग अगर इमैच्योर है, फिटल लंग अगर इमैच्योर है तो अपन इसको क्या देंगे? मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बेटा मेथासोन देंगे मदर को, इंजेक्शन बेटा मेथासोन और आईएम देंगे इंट्रामस्कुलर देते हैं। इसकी कितनी डोज होगी बेटा मेथासोन की? 12 से 24 mg होती है। और ये कब देते हैं? 12 से 24 mg डोज देते हैं। तो ये देते हैं अपन 12 से 24 घंटे पहले
टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के टर्मिनेट होने से पहले देते हैं, 12 से 24 घंटे पहले अपन देते हैं। तो ये था दोस्तों आज का सेशन, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, नॉन स्ट्रेस टेस्ट पढ़ा और LS रेशियो पढ़ा। ये छोटा ही टॉपिक है दोस्तों, और इसलिए आज आपको एक छोटा ही टॉपिक करवाया जा रहा है। सुबह एक बड़ा टॉपिक हो चुका है अपना 2 घंटे का। जिस भी भाई ने अगर वो नहीं देखा हो, ये सुबह का जो सेशन है, सुपर सेशन, जिसने भी नहीं देखा हो ज़रूर ज़रूर देख लें और पूरा ज़रूर देखें। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो सुबह का सेशन आप ज़रूर ज़रूर और पूरा ज़रूर देखें, तभी आपको सिलेक्शन मिलेगा। अगर आपने पूरा देख लिया तो बहुत बहुत धांसू सेशन था सुबह का, तो सभी ज़रूर देखें, मेरा ये कहना है आप सभी से। और दोस्तों अपने चैनल पर नर्सिंग अपडेट बाय CHO पर डेली स्पेशल MCQ सेशन क्लास हो रही है, जो कि दोपहर को 1 बजे होती है। डेली थ्योरी क्लासेस चल रही है जो शाम को 7 बजे होती है। फ्री मेगा टेस्ट सीरीज चल रही है जो वीक में 2 बार होती है, एक तो होती है संडे को, एक होती है वेडनेसडे को, जो सुबह 8 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक एक्टिव रहती है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, ये अपना चैनल का लोगो है। और किसी भाई को अगर टेस्ट सीरीज लेनी है फ्री में, तो इस नंबर पर मुझे आप मैसेज कर दें। 31 दिसंबर तक अपना जो है ये फ्री टेस्ट फ्री मिलेगी। इस 31 दिसंबर के बाद अपन किसी को भी फ्री टेस्ट सीरीज नहीं देंगे। तो उस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये बात बता दें आप कि फ्री टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो अभी कर लो, ठीक है दोस्तों। तो ये था आज का धमाकेदार सेशन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप लाइक ज़रूर कर दें, लाइक करने में आप कंजूसी ना करें दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों कल सुबह का एक और शानदार सेशन में। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं कल सुबह।